हेलो बच्चों, सो आज का हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन एन अननोन सॉल्वेंट ऑफ मोलर मास 30 ग्राम पर मोल हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 0.8। गिवन दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इज 2.7 किलो कैलोरी पर मोल एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड आर दैट इज गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो तीन फॉर्मूलेज पते होने चाहिए, और उसमें से फर्स्ट है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज टी एफ का फॉर्मूला, जो होता है के एफ इंटू एम यानी मोलैलिटी। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा टी एफ है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी जिसको आप बोल सकते हो, एफ पी। ठीक है, तो के एफ है आपका आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। तो हमें बेसिकली पहले ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ही चाहिए और फिर आपको मोलैलिटी की वैल्यू चाहिए सो दैट हम कैलकुलेट कर सकें ये चेंज कितना है, और देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी फाइनल माइनस, यहाँ फाइनल लिख सकते हैं एफ से, माइनस इनिशियल। तो चेंज कितना हुआ उसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको पहले कैलकुलेट करेंगे टू गेट दिस वन। अब के एफ भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, के एफ का भी एक फॉर्मूला है। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, द सेकेंड फॉर्मूला जो है वो के एफ का है, ये है आर टी एफ स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल एफ। अब एल एफ होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर ये दिया होगा किसमें, कैलरी मोल, कैलरी पर ग्राम, लेकिन अगर यहाँ पे मोल में दिया है तो आप क्या करोगे, इसको मोलर मास से डिवाइड करोगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम आर टी एफ स्क्वायर बाय 1000 इंटू डेल्टा एच एफ। ठीक है, तो यहाँ आपको जो इक्वेशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज अ डेल्टा एफ। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। गिवन आपको दिया है डेल्टा एच एफ की वैल्यू एज 2.7 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 to the power 3 कैलोरी पर मोल, राइट। एम की वैल्यू या मोलर मास की वैल्यू दी गई है आपको सॉल्वेंट के मोलर मास की 30 ग्राम्स पर मोल, ऑल राइट। फिर आपको आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2 कैलोरी मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। फिर आपको वैल्यू दी गई है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम सॉल्वेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए एक्स ए दिया हुआ आपको 0.8, तो एक्स बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स बी क्या होता है 1 माइनस एक्स ए, यानी ये हो गया 0.2 के इक्वल, ऑल राइट। इतना डेटा हमको दिया हुआ है तो अब हमें बस कैलकुलेट, हाँ, और एक टी एफ की वैल्यू दी गई है जो इनिशियल वैल्यू वो कितनी थी 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम एक एक करके, पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा के एफ कैलकुलेटन करना, यहाँ लिख सकते हैं टू कैलकुलेट के एफ। तो के एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला था आपका के एफ इज इक्वल्स टू एम आर टी एफ स्क्वायर बाय 1000 इंटू डेल्टा एच एफ। तो बस वैल्यूज पुट करना है, एम है आपका 30 ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल इंटू आर की वैल्यू थी 2 कैलोरी पर केल्विन, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। उसके बाद है आपका टी एफ की वैल्यू, टी एफ आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस में, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 + 273 इंटू केल्विन, राइट। ये होगा होल डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच एफ की वैल्यू दी गई थी आपको 2.7 इंटू 10 to the power 3 कैलोरी पर मोल। तो अब इसको सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद, सारे यूनिट्स पे कैलकुलेट करने के बाद, ये आपका वैल्यू आएगा 2 केल्विन kg मोल इनवर्स, राइट। ये आपका इतना आ जाएगा, तो यहाँ से हमें के एफ की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मोलैलिटी भी एक टर्म है आपका, तो यहाँ लिख सकते हैं टू कैलकुलेट मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, अगर ग्राम्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यूज दिया, ये वैल्यूज हमको डायरेक्टली नहीं दी गई सॉल्यूट की, हम इसमें मोल फ्रैक्शन यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा एक्स ए क्या था आपका, एक्स ए की वैल्यू थी 0.8, और एक्स ए को ही अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, राइट, ये हो जाएगा 0.8 के इक्वल। और एक्स बी क्या था हमारा, 0.2, राइट, इसको 1 में से माइनस किया था हमने, तो ये हो जाएगा एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, और ये है 0.2 के इक्वल। अगर आप इन दोनों का डिवीजन लेते हो, ठीक है, इन दोनों का डिवीजन लेते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, एन ए बाय एन बी, देखो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.8 बाय 0.2 के इक्वल, ये हो जाएगा 4 बाय 1। इसका इन्वर्स लेना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे सॉल्यूट के पहले चाहिए, इसलिए हम इन्वर्स लेते हैं, एन बी बाय एन ए, ये हो जाएगा 1 बाय 4। तो ये एक आपको वैल्यू चाहिए और एक ये आपको वैल्यू चाहिए, इतना हमको लेके आगे चलना है। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एन बी बाय एन ए किया था वो क्या है एग्जैक्टली, वो है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू, यहाँ पे एन ए है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसके इक्वल है, 1 बाय 4 के इक्वल, राइट। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है 30, तो इसको हम पुट कर सकते हैं इतने से इक्वेशन में, डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 इंटू एम ए की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 30, राइट, 30 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 1 बाय 120, राइट। अब ये जो है इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसको ही यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो हमें अगेन डेल्टा टी एफ क्या दिया हुआ था, के एफ इंटू मोलालिटी, राइट, और मोलालिटी का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया था, मोलालिटी इज आपका दिस वन, ये फॉर्मूला है आपका मोलालिटी का। तो इसको पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे के एफ की वैल्यू तो आपकी 2 है और मोलालिटी क्या था, डब्ल्यू बी यानी सॉल्यूट का वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाय डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो ये वाला जो टर्म है देखो यहाँ से ही हमने डिराइव किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाय 120 इंटू 1000, ये जो हो गया ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 16.67 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ को हमने क्या बोला था, डेल्टा टी एफ होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी एफ इनिशियल। अब फाइनल यानी पहले कितना था, तो यहाँ अब याद रखना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो छोटे में से बड़ा तो हम नहीं कर सकते, हमें बड़े से छोटा करना है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा है, जो पहले था दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और अभी कितना चेंज हो गया उसमें 16.67 डिग्री सेल्सियस, तो इसीलिए हमारा इनिशियल यानी टी एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी टी एफ एफ यानी फाइनल की वैल्यू 10.33 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू, दिस इज द आंसर। तो हमारा जो चेंज है दैट इज 10.3, तो यहाँ लिख लेते हैं आंसर, आंसर कितना हो गया आपका, टी एफ नाउ इज 10.33 डिग्री सेल्सियस। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।